आई थिंक पीपल हैव हॉरर स्टोरीज ऑफ कास्टिंग काउच. ये तो बहुत माइल्ड है, लोग बोलते नहीं है. एक जमाने में आपके साथ कास्टिंग काउच हुआ था. हाँ, कोई बहुत मशहूर डायरेक्टर था एंड ही कॉल्ड यू होटल में एंड देन व्हाट इज दैट स्टोरी. दैट्स वेरी फनी. तो ही आस्क्ड मी कि मैं काफ़ी, मैंने बोला कि मम्मी डैडी बिल्कुल खिलाफ थे. तो जब मैं मीटिंग से ले जाती थी भी मुझे छुपा छुपी जाना पड़ता था. तो उन दिनों विच वॉज क्वाइट कॉमन, वो होटल में आते थे आउट ऑफ स्टेशन से ना, तो वो स्वीट होता था, बाहर मीटिंग्स रखते थे. और तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था, मैं गई थी वेरी इनोसेंटली. एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी थिंग्स लाइक घर में कौन है. सो आई सेड मम्मी डैडी एंड ऑल दैट. एंड देन ही सेड हु आर यू क्लोज टू. सो आई सेड माय डैडी, मम्मी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑल. तो आई एम थिंकिंग हाँ, सच अ स्वीट अंकल हाँ, ही इज आस्किंग मी सच होमली फैमिली टाइप क्वेश्चंस. देन ही सेज अच्छा, यू आर वेरी क्लोज टू योर फादर ना, तो आप उनको फ़ोन करिए और बोलिए कि मैं आपको कल सुबह घर छोड़ूंगा. तो इनिशियली तो आई डिडंट रजिस्टर ओनली, मतलब हाउ कैन यू इवन अंडरस्टैंड यू नो. सो देन आई वाज लाइक कल सुबह, पर अभी तो कुछ 4-5 बजे शाम के, मैं कल सुबह तक क्या करूँगी. फिर मुझे बहुत डर लगने लगा. मैं अपने सब की फाइल सब लेके भागी वहाँ से. भाग गए. हाँ. I said, I'm just coming and I ran. Oh God, seems like you have. But you know, ये बहुत होता है. People, I think people have horror stories of casting couch. ये तो बहुत mild है, लोग बोलते नहीं है. एक तो क्योंकि उनको बहुत शर्म आती है, you know. पर मैंने horror stories सुने हैं from people. Right.